जनपद प्रतापगढ़ में एसडीएम द्वारा तहसील कर्मचारी की हत्या के विरोध में जनपद संभल के कलेक्ट्रेट कार्यालय के कर्मचारियों ने एसडीएम की बर्खास्तगी व मृतक कर्मचारी को 1 करोड़ की मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ जनपद संभल में प्रतापगढ़ के एसडीएम की बर्खास्तगी व गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने मांग करते हुए कहा कि मृतक सुनील कुमार शर्मा के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का सरकार द्वारा मुआवजा दें और हत्या का आरोपी प्रतापगढ़ के एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और नौकरी से बर्खास्त किया जाए। दे रहे हैं आप किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग ये है हमारी कि एक हमारे साथी प्रतापगढ़ जिले में नायब नाजिर थे जिनका नाम सुनील कुमार शर्मा था, उनको वहाँ के उपजिलाधिकारी ने इतना मारपीट की है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हम वहाँ के अपराधी को गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए और सुनील कुमार शर्मा जो नायब नाजिर रहे हैं उनके आश्रित को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके आश्रित को सेवा में रखा जाए। कौन अधिकारी हैं जिनकी गिरफ्तारी की और बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं आप? ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव उपजिलाधिकारी प्रतापगढ़ हैं। उन्होंने ही नायब नाजिर को इतने बुरी तरीके से मारा है कि उनकी मृत्यु हो गई है।